सभी देखने वाले हमारी राम राम। और भैया हमने जो खेत कटवाए थे हार्वेस्टर से और किस प्रकार की मक्का काटा है उसने, चलो देखते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हार्वेस्टर से मक्का कटवाने में नुकसान क्या है। तो ये देखो, ये मक्का जो गिरी हुई है, ये ने बट्टे लगे, ये हार्वेस्टर से कटाई नहीं होती, इसको वहीं छोड़ देता है। ये देखो, जितनी मक्का खड़ी रहती है उसकी तो कटाई आराम से कर देता है, पर जो गिरी हुई मक्का रहती है वो उसको कटर उठा नहीं पाता और ये इतनी बार नुकसानी होती है। बाकी ये देखिए, जितनी मक्का खड़ी थी अच्छी थी तो पूरी कट चुकी हार्वेस्टर से, और जो गिरी है हवा तूफान में जो गिरी थी वो बची है। तो उसी को बिनवाने के लिए अभी आए हम खेत में, और अभी हमारे बनिहार भी आने वाले हैं। मजदूर ना मिलने के कारण से हमने हार्वेस्टर से कटवाए, और अब हम मजदूर और हम खुद भी ये भुट्टा बीन रहे हैं। बाकी हार्वेस्टर से कटवाने में बहुत फायदे हैं, हार्वेस्टर से मक्का कटाने में नुकसान भी है फायदे भी हैं। फायदे ऐसे हैं कि लेबर से अगर आप कटवाओ तो लेबर 2400 रुपये एकड़ मांगते हैं, 2500 मांगते हैं, कभी तो 3000 ही मांग लेते हैं, और हार्वेस्टर से वही काम 2200 रुपये एकड़ में हो जाता हमारा, कटाई के साथ गहनी भी। बस ये जो भुट्टे गिरे हुए हैं बस इन्हीं को भर हमको बीनना है, और जो बनिहार गिरे पड़े वाले भुट्टा बीन रहे हैं, ये बनिहार हमें पहले ही मिल जाते तो हम हार्वेस्टर से कटवाई मक्का की नहीं करवाते। लेकिन ये बनिहार अब भी मिले हैं तो इनकी मजदूरी बहुत महंगी, और यहाँ बनिहारन के देखो आप ये सब देख रहा है कि कितना मार रहा है, कुछ भैया लोग खतरा मार रहे हैं। यहाँ दंगस लगो तो वो कारण हमें भी नहीं देख पा रहा हूँ कि सांप है कहाँ, यहाँ दंगस लगो तो हम भी दूर दूर खड़े हैं। ये भैया नु सब तमाशा देख रहे हैं, यहाँ आपको आप देख नहीं रहा है। और भैया हमने पूरी कटाई हमारी मक्का की करवा चुके हैं हार्वेस्टर से, और अब जो बनिहारन से बिनवाई को काम चालू है हमारा। और जे अब आ गए हम दूसरे वाले खेत में, तब बीन मार के ख़त्म करी हमने एक खेत के दूसरे में आ चुके हैं, अब एको ख़त्म हो तो और तीसरे खेत में जाना था।